तब मुझे लगा कि शायद शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। भाषा कैसी बोल रहे हैं भाई, बताइए। आपने हमको मुख्यमंत्री बनाया, अब प्रधानमंत्री जी आके कहते हैं मेरा डीएनए गड़बड़ है। जहर पिलाने पिलाने वालों की जरूरत है क्या? ऐसी हल्की बात अगर मुल्क के प्रधानमंत्री के द्वारा कही जाएगी तो मुल्क का क्या होगा? बिहार में मुझे रोड बना रहे हैं, शिक्षा का काम करना है, आरोग्य का काम करना है, बिजली का काम करना है, क्या भाषण ही दे सकते हैं? पानी का काम करना है, नदियों का काम करना है, किसानों के कल्याण का काम करना है, नौजवानों को रोजगार मिल गया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया। एक तरफ तो कहते हैं हम बीमारों नहीं हैं, दूसरी तरफ कहते हैं हमें ये दो, हमें वो दो, हमें ये चाहिए। अब तक जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है जिन राज्यों को, वो बीमारू थे क्या? आप अगर ये मानते हैं कि बीमारू होने पर ही विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा तो बताइए। आप दर्द झेलते रहें, आप पीड़ा झेलते रहें, लेकिन उनका अहंकार सातवें आसमान पर था। और फिर एक तरफ वो याचक कहते हैं मुझे और दूसरी तरफ अहंकारी कहते हैं, ये बड़ा विरोधाभासी है भाई। जो याचक हो गया वो अहंकारी कैसे हो सकता है? 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो। क्या हालत था भाई, सरकारी समारोह था और पूछ रहे लोगों से 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, जैसे लगता है किसी चीज की बोली लगती है। जनता जे दमन डी उत्पीड़न यू। बीजेपी का मतलब है बी से बड़का, जे से झूठा और पी से पार्टी। जनता का दमन और उत्पीड़न, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का असली नाम अब हो गया भारतीय जुमला पार्टी। हमारे देश का भला तब होगा हिंदू और मुसलमान एक होकर के हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़े। अगर प्रेम सद्भाव भाईचारा का माहौल बना रहा तो इनकी दाल नहीं गलेगी। अगर गुप्त वंश की याद करें तो चंद्रगुप्त की राजनीति हमें प्रेरणा देती है। इतिहास का तो अद्भुत ज्ञान है, चंद्रगुप्त गुप्त वंश के हो गए। अगर हम ज्ञान युग को याद करें तो नालंदा और तक्षशिला का स्मरण होता है। ये मेरा बिहार है भाइयों। हम सुन रहे थे, मुझको अचरज हो रहा था, तक्षशिला को भी बिहार ही में बता दिया गया। तक्षशिला उत्तर पश्चिम में है, हम होकर आए हैं, अब वो पाकिस्तान में पड़ता है। बिहार की धरती, उसकी ताकत क्या थी? जब सिकंदर आया और सिकंदर यहां पर सारा विश्व विजेता करके आया था, ये ताकत थी हमारे सैनिकों की। उन्होंने सिकंदर को यहां परास्त किया, उसको मार करके भेजा, सिकंदर को गंगा नदी के किनारे तक पहुंचा दिए। वो तो सतलज के पहले ही से भाग गया, उसकी फौज कमजोर पड़ गई, बीमार पड़ने लगे थे और रास्ते में मर भी गए, वो गंगा नदी के पास तक नहीं आ पाए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। वाह मोदी जी, वाह वाह।